हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुलदीप और आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल पाथ पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने कंप्यूटर में ही अपने यूएसबी ड्राइव यानी पेन ड्राइव को एक एक्सटर्नल रैम के तौर पे कैसे यूज कर सकते हैं। कभी कभी आप ऐसे काम करते हैं अपने कंप्यूटर पे, जैसे कि आप कोई वीडियो एडिटिंग कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं अपनी वीडियो एडिटिंग करता हूं तो फिल्म ब्रश करता हूं, वैसे कोई सॉफ्टवेयर आप ऐसे चला रहते हैं जिसके लिए आपको ज्यादा रैम की जरूरत होती है, तो वैसे में आप क्या करते हैं कि आपके पास रैम होती नहीं है तो फिर आप उस सॉफ्टवेयर को नहीं चला पाते हैं। तो परेशान होने कोई बात नहीं है, अब एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर में फिर अपने पेन ड्राइव को एक एक्सटर्नल रैम के तौर पे यूज कर सकते हैं और उससे आपके कंप्यूटर की स्पीड जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि आप अपने पेन ड्राइव को कैसे यूज कर सकते हैं एक एक्सटर्नल रैम के तौर पे। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक पेन ड्राइव की। जाहिर सी बात है कि हम पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में एक एक्सटर्नल रैम के तौर पर यूज करने वाले हैं, तो एक पेन ड्राइव की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए लगा देते हैं अपने इस पेन ड्राइव को अपने सिस्टम में, इंसर्ट कराते हैं अपने सिस्टम में इस पेन ड्राइव को। तो हमने इंसर्ट करा दिया है अपने पेन ड्राइव को अपने सिस्टम में। अब आपको करना क्या है कि आपको जाना है अपने दिस पीसी पर, जहां पर आपकी रैम शो करते हैं। ये देखिए, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा दिस पीसी पर, आपको जाना है यहाँ पर। जब आप जाते हैं तो उसके बाद ना दिस पीसी मेरा ओपन हो चुका है दिस पीसी, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो यूएसबी ड्राइव जी है ये मेरे में शो कर रही है, मेरे कंप्यूटर में शो कर रही है कि मैंने जो अभी एक्सटर्नल रैम लगाई है, सॉरी एक्सटर्नल रैम नहीं, मतलब कि एक पेन ड्राइव लगाई है जिसको हम एक्सटर्नल ड्राइव के तौर पर यूज करने वाले हैं, वो हमारे इसमें शो कर रही है। तो अब हमको, अगर आपको ये जो है एक्सटर्नल रैम के तौर पर यूज करना है, तो आपको सिंपली जाना है इसकी प्रॉपर्टीज में। जैसे कि हम इस पर पहले आपको क्लिक करना है, उसके बाद इस पर लेफ्ट बटन क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में देखिए ऑप्शन मिल जाएगा, आपको वहां पर जा सकते हैं। उसके बाद फिर आपको जाना है रेडी बूस्ट में। रेडी बूस्ट में जो आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए तीन ऑप्शन मिलते हैं। पहला है डू नॉट यूज दिस डिवाइस, और फिर सेकेंड ऑप्शन है डेडिकेटेड दिस डिवाइस टू रेडी बूस्ट, और थर्ड ऑप्शन है आपका यूज दिस डिवाइस। तो हमें क्या करना है कि हमें जो है अपनी पेन ड्राइव को अगर एक एक्सटर्नल ड्राइव के तौर पर यूज करना है तो यूज दिस डिवाइस पे हम टिक कर देते हैं, और उसके बाद जो हमारी पेन ड्राइव होगी वो एक एक्सटर्नल ड्राइव के तौर पर हम उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यूज दिस डिवाइस पे क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अगर आप इसका साइज कम ज्यादा करना चाहें कि मतलब आप कितने इसको अपना कितना यूज करना चाहते हैं पेन ड्राइव को, कितना पार्ट यूज करना चाहते हैं पेन ड्राइव का, तो भी आप सेट कर सकते हैं। अगर आप पूरे पेन ड्राइव चाहते हैं तो आप सिंपली जो बाय डिफॉल्ट है वो रहने दीजिए, उसके बाद अप्लाई करके ओके पे आपको क्लिक कर देना है। आप देख पा रहे हैं कि देखिए अभी तक हमारी जो यूएसबी है पेन ड्राइव यानी कि जो हमारी यूएसबी ड्राइव जी है वो अभी तक खाली दिखा रही थी, स्पेस खाली था, लेकिन अब केवल 100 MB फ्री दिखा रहा है, यानी कि हमारी जो ये पेन ड्राइव है वो सक्सेसफुली एक एक्सटर्नल रैम के तौर पे यूज होने लगी है। ऐसा करके आप अपने कंप्यूटर की स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो गेमिंग की परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत अच्छी हो सकती है, अगर आपके कंप्यूटर में अच्छी रैम नहीं है तो। और अब हम बात करेंगे कि अगर आपको इसको एक्सटर्नल रैम के तौर पर यूज नहीं करना है, तो दोबारा आपको इसको मतलब इससे हटाना है, एक्सटर्नल रैम के तौर पर यूज करने से हटाना है, तो आपको इसको कैसे करना होगा। तो सिंपली आपको जैसे जैसे आप गए थे वैसे ही प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको रेडी बूस्ट में जाना है, फिर से आपको जब देखिए यूज दिस डिवाइस पे टिक है, आपको करना है डू नॉट यूज दिस डिवाइस, उसके बाद अप्लाई करके ओके कर देना है, फिर आपके नॉर्मली जैसे पेन ड्राइव वर्क करती है वैसे वर्क करने लगेगी। दोस्तों, ये थी छोटी ट्रिक जिसकी मदद से आप अपने सिस्टम की गेमिंग परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी स्टूडियो तक, गुड बाय एंड टेक केयर।